आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में, वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से, इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से सारे हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे, 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक SIT बनाने के लिए IG रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 4.55 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है, IG रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं, SSP मानसा के अलावा SSP बठिंडा भी पहुँच गए हैं, ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से ADG लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। सर एक सवाल तो ले लीजिए।